हेलो गाइस, माय नेम इज मनीषा फ्रॉम एएमजेड ब्लास्ट टीम। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, कौन से स्टैम्प पेपर में आपका एनओसी होना चाहिए और एनओसी कहाँ इम्पॉर्टेंट है आपको बनाना, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो बहुत से लोगों को एनओसी बनाते टाइम आते हैं। एनओसी का फॉर्मेट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी होता है कि एनओसी डॉक्यूमेंट क्या है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओनर ऑफ द प्रेमिसेस। जो भी बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का जो भी ओनर होगा, ये डॉक्यूमेंट वो देता है आपको, स्टेटिंग दैट ही डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद द टैक्स पेयर, कि उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी का ओनर वो डॉक्यूमेंट साइन करके देगा, वहां पे लिख के देगा कि उसको आपसे, आपके बिजनेस से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यूजिंग द प्रेमिसेस फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। तो जो भी आप बिजनेस करोगे उससे उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। सो दिस इज एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन एनओसी इज रिक्वायर्ड। एनओसी आपको कब जरूरी होता है? इफ पर्सन कंडक्टिंग ट्रेड फ्रॉम देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहा है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑफिशियल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई भी उसका ऑफिशियल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दैट टाइम ही नीड टू मेक एनओसी इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम्स ऑन अनदर नेम। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी का जो नाम है, जो जिसके नाम पे है, वो आपके फादर के नाम पे है, मदर के नाम में है, ग्रैंड मदर इन लॉ के नाम पे है, तो उस केस में आपको एनओसी उनसे साइन करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे, तो आपको एनओसी नहीं लगता है। सेकंड केस क्या होता है, इफ समवन लिविंग इन रेंटेड प्रॉपर्टी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो आपको एनओसी अपने लैंडलॉर्ड से बनवाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस से। इफ समवन लिविंग इन रेंटेड प्रॉपर्टी एंड डोंट हैव ऑफिशियल प्लेस एंड वांट टू यूज दैट रेंटेड प्लेस, देन नीड टू मेक एनओसी एंड सबमिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है एनओसी फॉर्मेट। एनओसी फॉर्मेट देखिए इस तरीके का होता है, मैं आपको एडिट करके बताऊंगी किस तरीके से आपको एडिट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, हाउएवर देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड एनओसी फॉर्मेट अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंडर कोई भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट उन्होंने नहीं दिया हुआ है, आप इसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ज़रूरी नहीं है टोटली आपने ऐसा ही लिखना है, थोड़ा बहुत आप एडिट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ, एडिट करके बताती हूँ। अगर आपको ये एनओसी का फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन एरिया में जा सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये मैंने वर्ड फाइल में खोल दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आई एंड वी, मतलब जो भी ओनर होगा प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी की, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना नाम। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, डॉटर एंड सन ऑफ, डॉटर मैं टिक लगाऊंगी मैं यहाँ पे। यहाँ पे अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखूंगी मैं, प्रेजेंटली रेजिडिंग एंड राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब मैं प्रेजेंटली यहाँ पे रह रही हूँ, मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी की। और यहाँ पे आपने क्या करना है, पूरा एड्रेस आपने लिख देना है यहाँ पे पिन कोड के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फादर और सन ऑफ जो भी आपका नाम होगा, मतलब कि जो भी आपके लैंडलॉर्ड का नाम होगा वो लिख के यहाँ पे एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ आपने लिखना है। सबसे पहले ये जो पार्ट है आपके ओनर का है, जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होगा जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आती होगी, उसके डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी, फर्दर आई एंड वी हैव परमिटेड मिसेज नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम आएगा, जो भी जीएसटी में आपने बिजनेस का नाम लिखा होगा, आपका ट्रेड नेम होगा, वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आएगा ABC Enterprises, मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लिया है, प्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन आएगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का नाम आएगा, पार्टनर है तो पार्टनर का नाम आएगा, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का नाम आएगा। टू यूज़ द अबव मैंशन प्रॉपर्टी फॉर हिज और हर बिजनेस पर्पज, मतलब यहाँ पे मैं उसको लॉ कर रही हूँ कि वो मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है, दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन द अबव प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पज। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो येलो पोर्शन है वो ओनर ने फिल करना है, जो ब्लू पोर्शन है वो आपकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ओनर, यहाँ पे आपने लिखना है डेट प्लेस, और यहाँ पे आपने ओनर का सिग्नेचर लेना है, मतलब कि यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने एनओसी का फॉर्मेट फिल करना है और ये आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
देखिए एनओसी का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। येलो पोर्शन ओनर के नाम पे होता है, यहाँ पे ओनर का नाम होता है, उसकी डिटेल्स होती है, यहाँ पे होता है जो बिजनेस कर रहा है, तो आपने उसका सिग्नेचर ले लेना, डेट प्लेस सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम बहुत से लोगों को डाउट होते हैं कि एनओसी में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हु इज़ मैंडेटेड टू साइन द एनओसी फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ओनर ऑफ द प्रेमिसेस वो वहाँ पे सिग्नेचर करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है इट इज़ मैंडेटेड टू हैव ऑन स्टैम्प पेपर, तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, स्टैम्प पेपर में बहुत मैंडेटरी होता था कि आपका स्टैम्प पेपर पे ही होना चाहिए एनओसी, लेकिन अब क्या होता है ये मैंडेटरी नहीं रहा है। इन सम स्टेट्स गवर्नमेंट मांगती है कि स्टैम्प पेपर में होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सीए है A4 साइज़ पेपर में एनओसी जो है सबमिट करते हैं, अगर गवर्नमेंट मांगता है तभी उसको स्टैम्प पेपर में बना के देते हैं, अदरवाइज मोस्टली केसेस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है विच डॉक्यूमेंट इज नीड टू हैव विद एनओसी, एनओसी के साथ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अलॉन्ग विद एनओसी यू नीड टू सबमिट एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनओसी के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हो, ठीक है, जो भी जहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड विद एनओसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी विच कम्स ऑन ओनर नेम। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नाम आपने एनओसी पे मेंशन किया हो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी सेम हो विद सेम सरनेम, ठीक है। जो भी आपने एनओसी में एड्रेस लिखा हो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी में पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है म्यूनसिपल खाता कॉपी, म्यूनसिपल खाता कॉपी ये वो आपका लग जाता है एनओसी के साथ। इफ़ यू आर लिविंग इन रेंटेड प्रॉपर्टी, और अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फॉर्मेट एंड साइज ऑफ एनओसी, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं जीएसटी, ठीक है, वो उनका अपलोड नहीं होता एनओसी, तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट देख लीजिए, जेपीईजी या पीडीएफ फाइल चलेगी, मैक्सिमम 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन आता है इज़ द पर्सन हु इज साइनिंग एनओसी लेटर इज लाइबल फॉर एनीथिंग, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारे ओनर ने डॉक्यूमेंट साइन किया है कि कल को हमारे बिजनेस में लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाइबल होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नो ही इज़ नॉट लाइबल एंड देर इज़ नो क्रॉस चेक फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपके लैंडलॉर्ड को नहीं रहती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप आधार कार्ड जीएसटी के टाइम पे अपना देते हो वो प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि जो भी वन टाइम पासवर्ड आए वो आपके फ़ोन नंबर पे आए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिज़िकल वेरिफिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ़ इलेक्ट्रिसिटी बिल कम्स ऑन योर नेम देन एनओसी इज़ रिक्वायर्ड, सो नो, अगर आप खुद ही ओनर हो प्रॉपर्टी के, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे आता है तो एनओसी की ज़रूरत नहीं रहती है। एट्थ आपका क्वेश्चन आता है इफ़ इलेक्ट्रिसिटी बिल कम्स ऑन फादर और एनी अदर फैमिली नेम इफ़ शी ही इज़ नो मोर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आती है और वो नहीं रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम है वो आपने ट्रांसफ़र करवा देना है अपने नाम पे या किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ताकि आप नॉर्मली एनओसी उनसे ही साइन करवा सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हेन पर्सन लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर, देखिए बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, देन हु विल साइन एनओसी, तो मैं आपको बता दूँ नो वन कैन यूज़ गवर्नमेंट क्वार्टर्स एज बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ इन एनी लीगल डॉक्यूमेंट वट सो एवर विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आपको डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उस एड्रेस पे जीएसटी बना रहे हैं, और उनसे प्रॉपर वो अथॉरिटी आपको लेनी पड़ती है, अदरवाइज गवर्नमेंट क्वार्टर पे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। लास्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द स्टैम्प पेपर, पहले क्या होता था 50-100 रुपीज का स्टैम्प पेपर पे भी एनओसी आपका बनता था, लेकिन अब मिनिमम 300 रुपीज का आपका स्टैम्प पेपर होना चाहिए उस पर आपका एनओसी बनता है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो बहुत से लोगों को एनओसी के टाइम पे आते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, व्हाट इज एनओसी, कहाँ पे एनओसी रिक्वायर्ड होता है, एनओसी का फॉर्मेट कैसे फिल करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके वो सारे क्वेरीज सॉल्व करूंगी। थैंक यू।